और अब अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां शहर की पास कॉलोनी मानी जाने वाली नेहरू नगर के वासियों को बरसात का मौसम आते ही इनके चेहरे सिहर जाते हैं। हल्की बारिश में ही नेहरू नगर का कई हिस्सा तालाबों में तब्दील हो जाता है। हालांकि यहां के लोग अब बरसात पूर्व ही अपनी तैयारियां कर लेते हैं और अपने घरों के ऊपरी हिस्सों में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वर्षों से पानी भरने के चलते जर्जर हो रहे घरों से कभी भी गंभीर घटना घटित हो सकती है। वार्ड की पार्षद नम्रता सिंह अपने वार्ड में हो रहे जल भराव के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि जल भराव का कारण नेहरू नगर के चारों तरफ बसी कॉलोनी और ऊंची सड़कों को माना जाता है, क्योंकि चारों तरफ का पानी नेहरू नगर पहुंचता है। लंबे समय से नाला निर्माण की लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन उस नाले के निर्माण में भी लंबा घोटाला हुआ और नाले की चौड़ाई कम कर दी गई, जिसके चलते आज भी नेहरू नगर बारिश आते ही तालाब में तब्दील हो जाता है। आप स्वयं देखिए यहाँ की तस्वीरें, जिससे आपको अनुमान हो जाएगा कि यह नेहरू नगर शहर का वार्ड नंबर 13 है या कोई नदी के किनारे डूबने वाला क्षेत्र। इसके बाद आपको सुनाते हैं यहाँ की पार्षद नम्रता सिंह और स्थानीय निवासियों ने क्या कहा है। समस्या हमारे मोहल्ले में बहुत विकट समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेके हमने धरना भी दिया था यही रोड में NH7 में आज के 2 साल पहले। उसके बाद नाला का स्वीकृत किया गया और स्वीकृत के बाद नाला का ड्राइंग डिजाइन चेंज कर दिया गया, और चेंज होने के कारण ये समस्या बढ़ गई है। और शायद अगर चेंज ना होता, हमने अपने दिनेश पार्क से समदड़िया के नीचे से ले जाके पाल पैलेस के नाले में भेजने के लिए वहाँ किया था, लेकिन यहाँ के जो विधायक जी हैं शुक्ला जी, उन्होंने हमारे ड्राइंग डिजाइन को चेंज कर दिया और हमारे नेहरू नगर वार्ड को बहुत ही परेशान करके रख दिए हैं। तो हमारी उनसे फिर से यही मनसा, यही मांग है कि वो हमारी जो इस बार पुनः हमने मांग किया है कि उस नाले को जो हमने पुराने नाले की मांग की थी उसको पूर्ण रूप में बनाया जाए। अगर वो बनाते हैं तो वास्तव में हमारे वार्ड की निजात मिलती है, और हमारे वार्ड के एक दो घरों नहीं, कम से कम सैकड़ों घर प्रभावित हैं। यहाँ अभी आप तो ज्योति स्कूल के पीछे खड़े हुए हैं गेट नंबर 5 में, और आप चले जाइए सुपाड़ी आर्ट के तरफ चले जाइए, और इधर जो पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह जी रह रहे हैं वहाँ चले जाइए, मतलब हर तरह की समस्या है। और स्वयं के घर में भी पानी भरता रहता है, लेकिन अब इस बार जो अपने नए महापौर जी आए हैं अजय मिश्रा बाबा जी, उनके कार्यकाल में कितनी क्षमता बढ़ती है, क्या कार्य क्षमता बढ़ाते हैं, क्या वार्डों के लिए वो कर पाते हैं, वो तो देखा ही जाएगा। क्योंकि इनका आना सिर्फ यही था कि उस बार पुराने महापौर जो थे हमारे ममता गुप्ता जी थी और शिवेंद्र सिंह पटेल जी थे, अपने नेहरू नगर के ही थे, नेहरू नगर के लिए ही कुछ नहीं किया उनने वार्ड में रहते हुए, तो अदर वार्ड के लिए तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए अभी अब आप देख ही रहे हैं कि अभी आप 5 मिनट बाद आए हैं, 5 मिनट पहले आते तो शायद यहाँ घुटने से ऊपर कमर तक का पानी था, लोगों के घरों में घुसा हुआ। सोचिए अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो बाहर वाले ही परेशान, मतलब बाहर रोडों में पानी गिरता है तो परेशान हो जाते हैं, जिसके घर में पानी गिरता है और घर के अंदर प्रवेश हो जाता है वो कितना परेशान होगा। 15 अगस्त वार्ड नंबर 13, किस तरह की समस्या है यहाँ? हर साल पानी भरता है, 1,47,00,000 का नाला पास था, उसको ड्राइंग डिज़ाइन उसकी चेंज कर दी गई, उस कारण से यहाँ काफ़ी समस्या है। थोड़े से बारिश में, 10 मिनट के बारिश में ये हाल है, यहाँ हम लोग घर नहीं जा सकते हैं, इतनी समस्याएं हैं। यहाँ 1.5 से 2 फीट पानी भरता है घर के अंदर, और यही समस्याएं नगर निगम में कंप्लेन करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, पिछले 20 साल से यही समस्याएं चल रही हैं। कब से भरा हुआ है पानी, कितना घंटे लगे पानी? ये तो आधे घंटे पानी बारिश होगी तो भर जाता है। किस तरह आप निकालें पानी, अब घर नहीं जा पा रहे हैं? घर ही नहीं जा पा रहे, बाहर खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं। मेरा नाम श्रेयान चिचला है। क्या पानी भर रहा है, किस तरह स्कूल जाते हैं आप रास्ते में? 1 घंटा लेट हो जाता हूँ पानी भर जाता है तो 1 घंटा लेट हो जाता हूँ। पानी भरने में भी आप स्कूल चले जाते हैं? नहीं, पानी कम होता है तभी जाता हूँ। जूता वगैरह भीग जाता है पानी से, कपड़े वपड़े गंदे हो जाते हैं बरसात में। हाँ, कहाँ पे कह रहे हैं घर? कहाँ पे? नेहरू नगर। नेहरू नगर।